आज के लेक्चर में हमें लीकेज करंट क्या होता है ये डिस्कस करना है, और मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन करने के लिए हम सिलिकॉन मटेरियल को ज्यादा प्रीफर करते हैं ओवर जर्मेनियम मटेरियल। तो आज के डिस्कशन में हम इसका रीजन भी सीखेंगे कि क्या कारण है कि सिलिकॉन को ज्यादा हम प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीकेज करंट क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बताया, और इसमें बताया कि पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। और मैंने बताया था कि करंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इसलिए किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में दो तरीके का करंट होगा। पहला करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स एंड करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, मींस मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों के वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कंट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट है इसी को हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। आई बात समझ में, मींस करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज नोन एज लीकेज करंट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर करंट। यहां पे देखो नोट्स में माइनॉरिटी कैरियर करंट, क्योंकि लीकेज करंट माइनॉरिटी के कारण का जो करंट होता है वही लीकेज करंट होता है। दिस इज आल्सो नोन एज रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको हम रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये जो लीकेज करंट है या जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है ये किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में वोल्टेज और करंट से इंडिपेंडेंट होता है। सपोज आप किसी सेमीकंडक्टर में डिवाइस पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो या कोई करंट अप्लाई कर रहे हो, तो उस अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट से ये लीकेज करंट इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए हम इसको सेचुरेशन करंट भी कहते हैं। और चूंकि ये माइनॉरिटी के कारण फ्लो करता है इसीलिए हम इसका नाम रिवर्स सेचुरेशन करंट। आई बात समझ में। तीसरा नाम है इसका थर्मली जनरेटेड करंट। एक्चुअली क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये हमेशा टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण प्रोड्यूस होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स मीन्स जैसे अगर हम एन टाइप केस की बात करें तो यहां माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स है। अब ये होल्स का बढ़ना किस बात पे डिपेंड करेगा, तो होता क्या है बच्चों कि जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में, मैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पे ले चलता हूं, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये ठीक। अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो इस एन टाइप मटेरियल के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और आप सब बच्चे जानते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स, क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मींस जितना ज्यादा आप टेम्परेचर राइज करोगे उतना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करेगा, और सब बच्चे जानते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट होता है। चूंकि एन टाइप मटेरियल में होल क्या है बच्चों, माइनॉरिटी कैरियर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, और जब नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, होल्स मिलेगा। मींस होल्स की संख्या बढ़ रही है क्योंकि बॉन्ड का जो ब्रेक होना है वो बढ़ रहा है, और बॉन्ड का ब्रेक होना टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रहा है, इसलिए बच्चों माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या
टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से इस माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है, और जब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से जो माइनॉरिटी करेंट है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यही कारण है बच्चों कि इस लीकेज करंट को हम थर्मली जनरेटेड करंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बुक्स में ये करंट तीन नाम से दे सकता है, नंबर वन लीकेज करंट, या माइनॉरिटी कैरियर करंट, आते हैं हम लोग यहां पे, हाँ नंबर वन लीकेज करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, और थर्मली जनरेटेड करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट मैंने बताया कि दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल वोल्टेज और एनी एक्सटर्नल करंट, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज सेचुरेशन करंट। मींस बच्चों हम लीकेज करंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज किसी एक्सटर्नल करंट पे डिपेंड नहीं करता है। हमेशा लीकेज करंट टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा, इसलिए इसको हम सेचुरेशन करंट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो चूंकि ये टेम्परेचर के कारण जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको थर्मली जनरेटेड करंट भी बोलते हैं। बात अगर हम करें पी टाइप मटेरियल की, मैं आपको पी टाइप मटेरियल में ले चलता हूं। पी टाइप मटेरियल में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहां भी जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होंगे, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ेगी। अब पी टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है, तो बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई मेजोरिटी तो बढ़ ही रहा है, होल्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन माइनॉरिटी भी तो बढ़ रहा है, और जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो हम सिर्फ माइनॉरिटी के डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए बच्चों चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, हमेशा माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी जब आप टेम्परेचर राइज करोगे, इसलिए बच्चों लीकेज करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट्स व्हाई लीकेज करंट इज आल्सो नोन एज थर्मली जनरेटेड करंट। आई बात समझ में? और जैसा कि मैंने बताया कि लीकेज करंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो होता क्या है कि जब किसी डिवाइस में लीकेज करंट बढ़ता है, ध्यान से यहां समझिएगा, जब किसी डिवाइस में लीकेज करंट बढ़ा तो करंट बढ़ने से उस डिवाइस के अंदर जो हीट डिसिपेशन है वो इंक्रीज करता है, और जब हीट डिसिपेशन इंक्रीज करेगा बच्चों तो जाहिर सी बात है कि उस डिवाइस का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर वो रिवर्स करंट को इंक्रीज कर देता है, फिर रिवर्स करंट इंक्रीज करता है तो हीट डिसिपेशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फिर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और वो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट फिर से रिवर्स करंट को, लीकेज करंट को इंक्रीज कर देता है। तो होता क्या है कि अगर किसी डिवाइस में लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा है तो उस डिवाइस का ज्यादा चांस होता है कि वो जल्दी बर्न कर जाए। भाई जिसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है उस डिवाइस का टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा, और जब टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा तो हीट डिसिपेशन उसमें ज्यादा होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा हीट डिसिपेशन हो जाए उस डिवाइस का कि डिवाइस ही बर्न कर जाए। इसलिए बच्चों हम हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसा यूज करते हैं जिसमें लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लीकेज करंट कम होने की वजह से हम उस डिवाइस को हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिजाइन किया गया है जिसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने से उसमें लीकेज करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हीट डिसिपेशन बहुत ज्यादा होगा उस डिवाइस में, और वो डिवाइस जल्दी बर्न कर जाएगा। तो वैसे डिवाइस को हम हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी या हीट डिसिपेशन
झेलने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के डिवाइस को हम यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो अब मैंने कहा कि हमें ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करना है जिसमें लीकेज करंट की वैल्यू क्या हो, कम हो। अब अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 14। तो जरा इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 284, और अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 2, 8, 18 और 4। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या अगर हम सिलिकॉन एटम की बात करें तो इसका जो वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, क्योंकि ये तीसरे सेल में ही है। यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल नंबर 1 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेल नंबर 2 जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये सेल नंबर 3 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो पांचवें सेल में है, मींस इसमें जो वैलेंस सेल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पे है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इट मींस इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड है, बट जर्मेनियम के केस में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। बॉन्ड किस में ज्यादा ब्रेक होगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा उसमें बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होगा। भाई सपोज आपने किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अगर वो मटेरियल सिलिकॉन का है तो जाहिर सी बात है उसमें बॉन्ड कम ब्रेक होगा, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे वो कम ब्रेक होंगे। और जर्मेनियम के केस में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे एज कंपेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है। तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर राइज होने से नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा होंगे, जर्मेनियम में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सिलिकॉन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइनॉरिटी करंट या लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर्स पे डिपेंड करते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड पे। जिसमें नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड ज्यादा होगा उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स ज्यादा होंगे, और उसमें लीकेज करंट ज्यादा होगा माइनॉरिटी करंट ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो जर्मेनियम का जो नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड है वो ज्यादा होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं आपसे अराइज करूं कि बताइए लीकेज करंट किस में ज्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा सर जर्मेनियम में लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सेम टेम्परेचर राइज करने से नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड जो है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए लीकेज करंट जर्मेनियम में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम मटेरियल से बना जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो हाईली टेम्परेचर ऑपरेटेड नहीं होगा, उसमें लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस लीकेज करंट इन जर्मेनियम इज ग्रेटर देन लीकेज करंट इन सिलिकॉन। और मैंने आपको बताया कि लीकेज करंट ज्यादा होने से प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो उस डिवाइस का बर्न होने का चांस ज्यादा रहता है। और आपको मैंने
लीकेज करंट या माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होता है उसके वजह से डिवाइस में नॉइज ज्यादा होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों हम यही प्रयास करेंगे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो इस मटेरियल का बने, इसमें नॉइज कम हो, हीट डिसिपेशन कम हो, उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे हम उसको ऑपरेट कर सकें, टेम्परेचर राइज होने से उसके कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज्यादा कोई फर्क ना पड़े, ये हमारा एम होता है। इसलिए बच्चों हम ऐसा मटेरियल से उस सेमीकंडक्टर डिवाइस को डिजाइन करते हैं जिसका लीकेज करंट कम होता है। और अभी आप लोगों ने देखा कि सिलिकॉन के केस में लीकेज करंट कम होता है, इसीलिए बच्चों हम कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल डिजाइन करने के लिए सिलिकॉन मटेरियल ही प्रीफर करते हैं। आई बात समझ में? तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि लीकेज करंट क्या होता है और जर्मेनियम और सिलिकॉन के कंपैरिजन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, तो जर्मेनियम में लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है ये भी मैंने बता दिया। और प्रीफर हम वही करेंगे जिसमें लीकेज करंट क्या होगा, कम होगा। और यही कारण है बच्चों कि सिलिकॉन जो है हम प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ओके, और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिलिकॉन में लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर रेंज का होता है, सॉरी माइक्रो एम्पियर का जर्मेनियम में होता है माइक्रो एम्पियर रेंज का होता है, और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर रेंज का होता है। मीन्स ये 10^-6 के रेंज का होता है और इसमें 10^-9 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जर्मेनियम में लीकेज करंट की वैल्यू काफी ज्यादा है, मच लार्जर देन लीकेज करंट इन सिलिकॉन। आई बात समझ में? एक पॉइंट में बताना आपसे भूल गया कि जैसा कि मैंने बताया कि लीकेज करंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और बच्चों टेम्परेचर से किस प्रकार से ये डिपेंडेंट होता है ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड the value of leakage current will be double. आई बात समझ में? हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लीकेज करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब यहां अगर मैं आपसे क्वेश्चन राइज करूं कि सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर थी, तो बताइए बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब देंगे कि सर 80 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज लीकेज करंट, ये स्टेटमेंट पढ़िए, लीकेज करंट विल बी डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाएगी 40 माइक्रो एम्पियर। फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए, 30 करिए, तो जो 20 का था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लीकेज करंट की वैल्यू थी उसका डबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80, और 40 पे पूछ रहा है तो फिर उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये वाला डबल हो जाएगा, 80 वाला डबल हो जाएगा। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो बच्चों होगा 160 माइक्रो एम्पियर। आई बात समझ में? ये नहीं कि टेम्परेचर जो है वो 4 गुना हो गया तो हम लीकेज करंट को भी 4 गुना कर देंगे, नहीं। आप स्टेटमेंट पढ़िए, हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डबल होगा। आई बात समझ में? तो हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप लीकेज करंट को डबल करते जाइए, आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, या आपको पता चल जाएगा कि लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी फॉर गिवन टेम्परेचर। ओके,
तो अब जरा नोट्स में चलते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे हम लीकेज करंट को. इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, बता चुका हूँ मैं. ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ब्रेक हेंस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, बताने की जरूरत नहीं है. यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज. ओके, यही कारण है बच्चों कि ये जो करंट है वो सेचुरेशन करंट के नाम से भी जानता है, जाना जाता है. ओके अच्छा, आई नॉट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको. और अगर आपको मान लिया क्वेश्चन ऐसे गिवन है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 माइक्रो एम्पियर लीकेज करंट की वैल्यू है, तो बताइए बच्चों 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, तब आप 10 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से नहीं लगा पाओगे. आप देखिए 10 का मल्टीपल है ही नहीं है जिस पर पूछ रहा है. आई बात समझ में? या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 10-10 के मल्टीपल पे आता जाएगा. 10-15 होगा, 15 का 25, भाई 5 का 10 बढ़ा दो 15, 15 का 10 बढ़ा दो 25, फिर 35, फिर 45, आप निकाल लोगे. मैं दूसरा डेटा देता हूँ. सपोज आपको पूछ दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर क्या होगा, तो आप हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तो निकाल दोगे, लेकिन 5 का गिवन है और 37 पे पूछ रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं लगा पाओगे. तो उसके लिए आपको एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए जिससे हम 37 डिग्री पे लीकेज करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सके. तो वही ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, आई नॉट टी टू इज इक्वल टू 2 to the power T2 - T1 by 10 आई नॉट टी वन. आई टी टू क्या है, जैसे कि मैंने 37 पे किया था, 37 पे लीकेज करंट की वैल्यू जो कि आपको कैलकुलेट करनी है. आई नॉट टी वन क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लीकेज करंट की वैल्यू है. ठीक है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों T1 हो गया, ये T2 हो गया, और आप वैल्यू पुट कीजिए और जो भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर लीजिए. फिर यहाँ मैंने लिखा है सिलिकॉन हैज स्मॉलर लीकेज करंट, उसका कारण मैंने आपको बता दिया. ये सारी बातें एडवांटेज ऑफ लीकेज करंट, सॉरी लेस लीकेज करंट, एडवांटेज ऑफ लेस लीकेज करंट. यहाँ पे देखो लिखा है मैंने वेरी गुड थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑपरेट किया जा सके, टेम्परेचर राइज होने से उसमें जो डैमेज होने का चांस है वो कम से कम है. ठीक है, तो जितना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क करेगा. वही लिखा है कि ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर, तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है. अब यहाँ देखिए मैंने डिस्कस किया है कि एडवांटेज ऑफ सिलिकन, क्या एडवांटेज है सिलिकन को यूज करने का. तो यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे पहला स्मॉलर लीकेज करंट, पहला पॉइंट तो अभी मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ. यहाँ देखो लिखा है स्मॉलर लीकेज करंट, सही बात है भाई, लीकेज करंट कम होता है. लीकेज करंट कम होने से हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, सही बात है भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर पे वो स्टैंड करेगा उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, लिखा है प्लेंटी अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. एक्चुअली सिलिकन हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है बच्चों, इसलिए सिलिकन को प्रीफर करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये इजिली अवेलेबल होता है. आई बात समझ में? और जो लास्ट पॉइंट है सुटेबल प्रॉपर्टी टू गेट SiO2, अब इसको जरा समझते हैं बच्चों. जब आप सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ोगे, आपके सिलेबस में भी गिवन है, तो कई सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसे होते हैं जहां पे इंसुलेटर की आवश्यकता होती है. तो अगर वो सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है तो एक प्रोसेस के द्वारा उस सिलिकॉन मटेरियल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे तो वो सिलिकॉन बन जाता है SiO2. अब SiO2 को हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाई
ऑक्साइड, और ये बच्चों एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है। तो अगर किसी डिवाइस के डिजाइनिंग में इंसुलेटर की अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम एक प्रोसेस की मदद से सिलिकॉन से उस इंसुलेटर को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सिलिकॉन को यूज करने का। आई बात समझ में? तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हम सिलिकॉन यूज करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ओके, तो आज बस इतना ही करते हैं। इसके बाद का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर चांस होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में पीएन जंक्शन से ही क्वेश्चन क्रिएट करने का, तो इसलिए सब बच्चे अगले लेक्चर से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और अब तक का जो मैंने पोर्शन कवर किया, बिना उसको समझे, बिना उसको कवर किए आप पीएन जंक्शन डायोड को नहीं समझ सकते हो। आई बात समझ में? मैंने शुरू में ही बोला था कि हमें अगर डायोड पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, तो हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ तक का जो पूरा लेक्चर था वो सेमीकंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना आपको आना ही चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसा कि पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के बहुत सारे टाइप्स हैं, एप्लीकेशन हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सारे आप पढ़ नहीं पाओगे, इनको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो भी लेक्चर है उसको आप कायदे से पढ़ेंगे, प्रॉपरली रिवीजन करेंगे, तब आप पीएन जंक्शन डायोड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो खत्म करते हैं यहाँ पे लेक्चर।